नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उनके परिवार का भी टेस्ट किया गया। परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन केवल जया बच्चन को छोड़कर। जिसके बाद अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब खबर है कि अमिताभ की बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को भी नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ऐश्वर्या और आराध्या के अंदर कोई लक्षण न दिखाई देने के कारण वे घर थे, जिसके चलते दोनों माँ बेटी को घर में क्वारंटीन किया गया था। लेकिन अब खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या को लगातार बुखार की शिकायत हो रही थी, जिसके चलते डॉक्टर्स उनका चेकअप करने घर पहुंचे थे। डॉक्टर्स को उनमें कोरोना के लक्षण साफ तौर पर नजर आए, जिसके बाद उन्हें भी नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐश्वर्या को लगातार बुखार बना हुआ था और गले में दर्द की शिकायत भी थी। ऐश्वर्या के लक्षण दिखने के बाद उनकी बेटी आराध्या का भी दोबारा से टेस्ट किया गया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी को नानावती अस्पताल में ले जाया गया। वहीं अमिताभ और अभिषेक की हालत इस समय स्थिर बनी हुई है। बता दें, 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन ने रात के वक्त अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तुरंत बाद अभिषेक की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पूरे परिवार का टेस्ट किया गया, जिसमें ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव निकले। हालांकि जया बच्चन नेगेटिव आई। ऐश्वर्या और आराध्या में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, जिसके चलते दोनों माँ बेटी को घर में होम क्वारंटाइन किया गया था। बता दें, बच्चन परिवार ही नहीं बल्कि अनुपम खेर की माँ, उनके भाई, भाभी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेस्क रिपोर्ट।